أَنَا أَلَهُنَّ <سؤال> مُحَمَّدًا مَحَمَّدًا أَمَّا بَعْدُ فَأُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ قل إن كنتم تهبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إن الله وملائكته का ताहू यू सल्लू सल्लु अलई व सलीमू तस्लिमा हाजरी ने मुझे आज जिस अजीम शान अदीमुलमिसाल वजूद की शान में हदिया यकीदत पेश करने की सहादत हासिल हो रही है वो वो हस्ती है जिसकी खातिर इस जहान की पैदाइश हुई जिसका नाम लेने पर रूह में अजब हलावत और मोहब्बत महसूस होती है वो हस्ती जिससे खुदा ताला ने सबसे बढ़कर मोहब्बत की और जिससे मोहब्बत और जिसकी मोहब्बत और जिसकी फर्माबरदारी को अपने तक पहुंचने का ज़रिया करार दिया यानी मेरे आकाए नामदार नाम, सदुलनामाम शफ़ीमबी हज़रत महमद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम। यूँ तो आपकी जात से मुतल हर पहलू बिसाल और हर समत बेनर है लेकिन मेरा आज का मौजुअ़ सुखन मोहब्बत रसूल और दुरूद शरीफ की अहमियत है गो के मोहब्बत रसूल और दुरूज शरीफ की अहमियत दो अलग अलग मौजू मते हैं लेकिन जब हम गहराई से इन दोनों अनावीन का मुताल करते हैं तो हमें मालूम होता है कि इन दोनों मौजूद का आपस में एक गहरा ताल्लुक़ है और गोया ये दोनों मौजू आपस में एक दूसरे के लाज़मो मलज़ूम हैं चुनाचे जो आयात जो आयात खाकसार ने आपके सामने तिलावत की हैं उनमें इस अमर की तरफ कई इशारे पाए जाते हैं पहली आयत जो खाकसार ने तिलावत की है वो सूरा आल इमरान की आयत नंबर बत्तीस है जिसका तर्जमा बयान फरमोदा हज़रत मसीह महदलात वसलामयूं है उनको कह दे कि अगर खुदा से प्यार करते हो तो आओ मेरे पीछे हो लो और मेरी राह पर चलो ता खुदा भी तुमसे प्यार करे और तुम्हारे गुनाह बख्शे और वो तो बख्शिंदा और रहीम है दूसरी आयत हज़ाब की आयत नंबर सतावन है जिसका तर्जुमा बयान फरमूदा हज़रत मसीह मऊद ये है खुदा और उसके सारे फरिश्ते इस नबी करीम पर दुरुद भेजते हैं ईमानदारों तुम भी इस पर दुरुद भेजो और नहाय अखलास और मोहब्बत से सलाम करो हाजरे कराम हमारा खुदा नहायत रहीम व करीम है और उसने अपने कुर्ब की राहें हमारे लिए आसान बनाई हैं चुनाचे जहाँ उसने हमें यह हुक्म दिया कि वब तको अलहिल वसीला के अपने रब के कुर्ब का वसीला ढूँढो वहीं उसने हमें यह भी बता दिया कि वो वसीला हज़रत अलैहि वसल्लम की इत्तबा है यानी अगर, अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है तो उसके लिए हज़रत अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी इख्तियार करो तो तुम अल्लाह के कुर्ब पर सरफ सरफराज हो जाओगे हजरात फ़ितरत इंसानी इस बात पर गवाह है कि इंसान किसी की कामिल इत्तबा या पैरवी तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उससे मोहब्बत में कामिल ना हो जाए और जिस जिसकी तबाह करना चाहता है और कामिल मोहब्बत तक तब तक पैदा नहीं हो सकती जब तक कि महबूब के हसन एहसान को इंसान बचस में ख़ुद मुशाह ना कर ले और महबूब की मार्फत हासिल ना कर ले लिहाजा इन आयात से मालूम होता है कि खुदा तला की मोहब्बत को पाने तक का सफ़र आ हज़रत सल्ला वसलम की मारफत हासिल करने से शुरू होता है अगर आ हज़रत सल्ला वसलम की मारफत हासिल हो जाए तो आपसे तब तौर पर मोहब्बत पैदा हो जाती है और वो मोहब्बत कामिल पैरवी को जन्म देती है और बिल आखिर उस कामिल पैरवी के नतीजे से इंसान अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है चुनाचे जब हम आ हज़रत वसल्लम की मारिफत हासिल करने के लिए आपके हालात वाक़ात को देखते हैं तो हमारा दिल पुकार उठता है कि नबूत के थे जिस कदर भी कमाल वह सब जमा हैं आप में लाम हाल जमाल और सिफात जलाल हर एक रंग है बसदीमिसाल जब आप के हसन व जमाल और ज़ाती लियाक़तों की तरफ निगाह की जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हल्का सा मुताल भी इस यकीन को हासिल करने के लिए काफ़ी है कि आप अखलाक के आला तरीन मैार पर फायज़ थे खुद अल्लाह ने इन अल्फाज में इसकी गवाही दी है अल्लाह ताली फ़रमाता है व इनका लाअ खुल नज़ीम के अ नबी तो यकीन एक खुल के अजीम पर फायज़ है और ये अखलाक और ज़ातिन लियाक़त ऐसा था कि कुरान शरीफ़ ने आपकी ज़ात को नूर से तशबी दी और फ़रमाया कि जब आपके ज़ाती नूर पर नूर खुदाबंदी फायज़ हुआ तो गोया नुरुनला नूर की कैफियत पैदा हो गई फिर जब आपके एहसाना की तरफ नज़र की जाए तो तमाम बने नो इंसान को ममनूने एहसान करने के लिए आपका यह तनह एहसान काफ़ी है कि आपने हमें अल्लाह तक पहुँचने की राह मुहैया फरमाई ये इतना बड़ा एहसान है कि जिसकी इंतहा मालूम नहीं की जा सकती और जिसकी शुक्रगुजारी के तौर पर हम अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरुदो भेजते हुए गुजार दें तब भी कम है लेकिन आपके अहसानात का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता आपकी सीरत के मुताले से मालूम होता है कि आप बने न इंसान की हदायत की फ़िक्र में इस कदर फ़िक्रमंद और परेशान रहते थे कि अल्लाह ताली को ये कहना पड़ा लाल्ला का बा़ उन नफसा का अल्लाह यकून उमोमिन क्या नबी क्या तू अपनी जान को इसलिए हलाक कर देगा कि ये लोग ईमान नहीं लेके आते फिर अपनी उम्मत के लिए आपकी फ़िक्र इससे भी बड़ी हुई थी उनके लिए आप दुआएं करते उनकी बुलाई के लिए कोशा रहते चुनाचे अल्लाह ताला फ़रमाता है मोमिनों को मुखातिब करते हुए फरमाता है कि अजीज़ुन उनही ही माँ अनित अनित तुम हरीसुन अलई तुम यानी ए मोमिनो तुम्हारा तकलीफ़ में पड़ना तुम्हारे नबी पर शाख गुजरता है और वो तुम्हारे लिए बहुत खैर का भूखा है और मोमिनों के साथ मोहब्बत करने वाला और बहुत करम करने वाला नबी है नाजीन के हाजरीन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी खैर की इस कदर भूख थी कि जब आपको एक मकबूल दुआ का हक दिया गया आप जो भी मांगते आपको दिया जाता आप जो दुआ करते जिस चीज़ की दुआ करते आपको अता होता आपने अपना ये हक भी अपनी उम्मत के लिए वक्फ़ कर दिया हजरत आप जानते हैं हमारे नबी ने क्या मांगा हजूर फरमाते हैं हर नबी को एक ख़ास दुआए मुस्तजाब का हक होता है हर नबी को एक ख़ास दुआए मुस्तजाब का हक़ होता है जो वो करता है मैं चाहता हूँ कि अपनी इस ख़ास दुआ को आखिरत में अपनी उम्मत के की शिफात के लिए रख लूँ हाजिर के नाम जरा गौर फरमाएँ हमारे आका हमारे मुरशद हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे कैसी मोहब्बत थी और हमारी कैसी फिक्र थी कि उस रोज़ जब माएँ अपने बच्चों को नहीं पहचानेंगी और इंसान अपने वालदेन और अपने बच्चों से दूर भागेगा और कोई जान किसी दूसरी जान का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं होगी उस दिन हमारे लिए हमारा नबी खड़ा होगा और हमारी शिफात करेगा और हमारे गुनाहगारों हम हम गुनाहगारों के लिए और हम खुद ख़ताकारों के लिए अल्लाह ताला के हुजूर माफ़ी की दरख्वास्त करेगा हम ऐसे नबी पर अपनी जान क्यों ना निछावर करें हम उसकी शान में कसीदे क्यों ना गाएं हम उसके लिए अपनी आँखें क्यों ना बचाएँ सरे दारम फिदा खा के अहमद दिलम हर वक्त कुरबान मोहम्मद हमारा दिल क्यों ना मोहम्मद की खाक पर फिदा हो और हमारा सर क्यों ना मोहम्मद के लिए कुर्बान हो कि उस नबी ने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए वक्फ किया और अपनी जात का एक एक जर्रा हम पर कुर्बान किया हम ऐसे नबी पर दुरुदो सलाम क्यों ना भेजे हम ऐसे नबी पर दुरुदो ना भेजे लिहाजा आपके बारे में मारिफत हासिल करने वाला और आपके को याद करने वाला आपकी शान में कसीदे गाए बग़ैर रह ही नहीं सकता इस बारे में हज़रत मसीह महदलात वसलाम बयान फ़रमाते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़त पेश आमदा की अगर मारफ़त हो वाक़त पेश आमदा की अगर मारफ़त हो और इस बात पर पूरी इतला मिले कि उस वक़्त दुनिया की क्या हालत थी और आपने आकर क्या किया तो इंसान वजद में आकर अल्लाह मसल महमद्दिन पुकार उठता है इंसान वजद में आकर अल्ला मसल महमदिन कह उठता है मैं सच कहता हूँ ये ख़्याली और फ़र्जी बात नहीं है कुरान शरीफ़ और दुनिया की तारीख इस अमर की पूरी शहादत देती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया पूरी कामयाबी पूरी तारीफ़ के साथ यही एक इंसान दुनिया में आया जो मोहम्मद कहलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलफूज़ा अव्वल सफ़ा चार सौ इक्कीस तो आंद्र सल के हसन व अहसान की अगर मारफ़त हासिल हो जाए तो तबन आपसे मोहब्बत पैदा हो जाती है और इस मोहब्बत का लाजमी नतीजा ये होता है कि आपके दिल से दुरुद निकलता है तो ये वो पहला मोहब्बत रसूल और दरुद शरीफ की यह पहली आपस में ताल्लुक है जो मैंने बयान किया है इसी तरह मोहब्बत रसूल सल्हु वसम और दरुद शरीफ़ का आपस में एक और गहरा ताल्लुक़ है जो नहायत लतीफ और मोमिनों के लिए अजब राहत और सुकून का बायस है और वो ये है कि जब इंसान मोहब्बत में बढ़ते हुए महबूब की कामिल पैरवी करने लग जाता है तो इस मोहब्बत और कामिल पैरवी की वजह से उस इंसान की अपनी हस्ती का सब कुछ मिट जाता है जो मोहब्बत जो जिससे मोहब्बत की जाती है अगर इंसान उससे कामिल मुहबत करे तो इंसान की अपनी हस्ती का सब कुछ मिट जाता है और उसमें महबूब ही बाकी रहता है सूफिया इसको मरतबा फना से ताबीर करते हैं चुनाचे उम्मत के एक अजीम सूफी बुज़ुर्ग हज़रत बकर शिबली रहमु तहरीर करते हैं कि मोहब्बत को इसलिए मोहब्बत कहते हैं कि ये महबूब के अलावा दिल से हर चीज़ को फना कर देती है यानी मोहब्बत की आखिरी मंजिल ये होती है कि महब और महबूब दोनों यकजान हो जाते हैं और उनमें बाहम कोई फ़र्क नहीं रहता शरा ने भी अपने अंदाज में मोहब्बत की साल तरीन मंजिल को बयान किया है ख्वाजा अमीर खुसरो इस कैफियत का नक्शा यूँ खींचते हैं कि मन तू शुदम तू मन शुदी मन तन शुदम तू जा शुदी ताकसन गो अदबाद अजी मन दी गरम तू दी गरी ऐ मेरे महबूब तेरी मोहब्बत में अब मेरा मुझ में कुछ नहीं रहा मैं तू बन गया हूँ और तू मैं बन गया है ये जिस्म तो मेरा है लेकिन इसकी जान तू है बस इसके बाद कोई नहीं कह सकता कि मैं और हूँ और तू और है तो ये मोहब्बत की आखिरी मंजिल है जिसमें महब और महबूब दोनों यकजान हो जाते हैं और उनमें बाहम कोई फ़र्क नहीं रहता और मोहब्बत करने वाले में महबूब की ही ज़ात मुनकिस होने लगती है ऐसे ही मोहब्बत रसूल अलैहि वसल्लम और इतबा रसूल में बढ़ते हुए एक मोमिन की अपनी हस्ती बिल्कुल मिट जाती है और वह हज़रत सल्लाम का ही मसील और आप ही की हिस्सा शुमार होता है वह हज़रत सल्ला वसलम का ही मसील और आप ही की हिस्सा शुमार होता है लिहाजा खुदा तला का जो तल्लु हज़रत सल्लाह वसलम के साथ होता है ऐसा मोमिन उस तल्लक से भी हिस्सा पाता है ये कितनी बड़ी बात है हम जानते हैं तारीख गवाह है कुरान करीम की शहादतें मौजूद हैं कि अल्लाह तला ने आ हजरत सल्ला वसलम से सबसे बढ़कर मोहब्बत की और आपको कुरब इलाही का वो हिस्सा अता किया जो ना उससे पहले किसी को अता हुआ था ना उस आपके बाद किसी को अता हुआ है तो अगर हम आ हजरत सल्लाह वसम से मोहब्बत में उस दर्जे तक पहुँच जाएँ तो जो बरकतें और जो अनोार आजरत सल्लाम पर नाजिल होंगे वह हम पर भी होंगे चुनाचे इस जिमन में एक बड़ा अजीब वाक़ हमें हदीस में मिलता है आ हज़रतली वसलम की हदीस कसरत से हमें मिलती हैं जिसमें हजूर अपनी उम्मत को अपने सहाबा को ये बयान फरमाते हैं कि मुझसे मोहब्बत करो और अपनी जानों से बढ़ कर मुझसे मोहब्बत करो चनाचे हज़रत अब्दुल्ला बिन हशाम बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्ला वसलम के साथ बैठे हुए थे आप हज़रतम्र का हाथ थामे हुए थे जिस तरह हम भी अपने किसी प्यारे दोस्त का मोहब्बत में हाथ थाम लेते हैं तो हज़रत रसूल अक्रम सम ने हज़रत उमर का हाथ ऐसे थामा हुआ था और उसको हल्का हल्का दुबा रहे थे हज़रत उमर ने वफूर मोहब्बत में हज़रत सल्लाह वसलम से कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे आप इस दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हैं सिवाए मेरे अपने नफ्स के हज़रत सल्ला वसलम ने जब यह सुना तो आपने फरमाया नहीं उमर अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है तुम्हारा ईमान उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मैं तुम्हारे नफ़ से ज़्यादा तुम्हें महबूब ना हो जाऊँ हाजरेन कराम यहाँ ज़रा ठहर कर सोचिए कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा मोहब्बत की और जिनसे अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा प्यार और इश्क का ताल्लुक़ था उन्हें किसी दूसरे की मोहब्बत की क्या ज़रूरत हो सकती है उन्हें मेरी आपकी या किसी भी इंसान की मोहब्बत की क्या ज़रूरत हो सकती है उन्हें ज़रूरत नहीं थी हमें ज़रूरत है और हर उस शख्स को ज़रूरत है जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहता है उसके लिए उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ हज़रत अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे और इसमें भेद यही है इसमें यही आ, इसका इसमें राज यही मख्फी है कि जब कोई यहाँ हज़रत सल्लाह वसलम से मोहब्बत करेगा तो वह हज़रत सल्ला वसम के वजूद का ही हिस्सा शुमार होगा और उस पर वही बरक़ात नाजिल होंगी जो अल्लाह ताला ने आप पर नाजिल फ़रमाई और उसे उसी कुर्ब इलाही से हिस्सा दिया जाएगा जो अल्लाह ताला ने हज़रत अलैहि वसल्लम को अता किया अब इस पस मंजर को ज़हन में रखते हुए हम हज़रत अलैहि वसल्लम पर दुरुद भेजने के फ़लसे पर नज़र डालते हैं तो हमें मालूम होता है कि हज़रत सल्ला वसलम से मुहबत करने वाला जब हज़रत सल्ला वसलम पर दरूद भेजता है तो वह असल में अपने लिए रहमत मांग रहा होता है जब वो दुरूद भेजता है तो वो दूसरे अल्फाज में ये कहता है कि या अल्लाह जिस तरह तूने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं कबूल फ़रमाई मेरी दुआएं भी कबूल फ़रमा ले जिस तरह तूने आप पर बरक़ात और फ्यूज़ नाजिल किए मुझ पर भी नाजिल फ़रमा तो इसमें यह फ़लसफ़ा है कि जब हज़रत अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कामिल होकर हाँ हम आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं तो वो दुआ असल में हमारे अपने लिए होती है इस फलसफ़े को बयान करते हुए हज़रत मसीह मऊदा वसलाम बयान फ़रमाते हैं अगरचे आ हज़रत सल्ला वसलम को किसी दूसरे की दुआ की हाजत नहीं लेकिन इसमें एक नहायत अमीक भेद है इसमें एक नहाय अमीक भेद है जो शख़्स जाती मोहब्बत से किसी के लिए रहामत और बरकत चाहता है जो शख़्स जाती मोहब्बत से किसी के लिए रहामत और बरकत चाहता है वह से इलाका ज़ाती मोहब्बत के उस शख्स के वजूद की एक जुज्व हो जाता है बस जो फैज़ान शख्स मदूला पर होता है यानी जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं वही फैज़ान उस पर हो जाता है यानी जो जिस कदर मोहब्बत रसूल में सरशार होकर हज़रत अलैहि वसल्लम पर दुरुद भेजेगा और आपके लिए रहमतें और बरकतें तलब करेगा वह उसी क़दर बल्कि उससे भी कहीं बढ़ बरकतें पाने वाला हो खुद बरकतें पाने वाला होगा यही वजह है कि हज़रत अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को और अपने सहाबा को कसरत से दुरुद पढ़ने की तरफ़ हिदायत फ़रमाई चुनाचे हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि हज़रत वसल्लम ने फरमाया मन सलिया वाहिद तन अशरा यानी जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजेगा उस पर अल्लाह ताला दस बार दुरूद भेजेगा इस वजह से दुरूद शरीफ़ इतनी बड़ी दुआ है सूरह फातिहा के बाद ये सबसे बड़ी दुआ है इसीलिए हर नमाज में दुरूद शरीफ को रखा गया है हर दुआ के वक्त सूरह फातिहा के बाद दुरूद शरीफ पढ़ने की तलकिन की जाती है हज़रत मसीह महदलासलाम वस, ने शरायत बैत की शर्त नंबर तीन में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने को ज़रूरी करार दिया है तो महब्बत रसूल महब्बत रसूल में सरशार होकर पढ़े गए दुरूद की इस कदर बरकात हैं कि जिनका कोई अंदाज़ा नहीं और ये एक ऐसी नहाय खूबसूरत तबीर है कि आप हज़रत अलैहि वसल्लम से पहले मोहब्बत करें और जब आप उन पर दुरूद भेजेंगे तो आपके एक दुरूद के बदले अल्लाह ताला आपको आप पर दस बार दुरूद भेजेगा और आपको वो बरकतें अता करेगा जो हज़रत अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अ फरमाई थी और इस फलसफे की सबसे आला और अरफा मिसाल हमें हज़रत अलैहि वसल्लम के मुहब सादिक और कामिल हजरत मसीह महदलात वसलाम में नज़र आती है आपने हज़रतल्हसम से सबसे बढ़ कर महब्बत और इश्क़ किया और आपकी इतबा की आपकी इस मोहब्बत का इज़हार हमें आपकी तहरीरत में आपके अफ़ाल आदात में और आपके अशार में जगह जगह मिलता है मैंने चंद अशार नमूना तन मंतख किए हैं जो यहाँ पेश करूँगा एक जगह आपने अरबी कलाम में हजूर फरमाते हैं या हिब्बी इन्ना का कद दखल अखलता मोहब्बन फ़ी मोहजती व मदारी की व जनानी किए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी मोहब्बत मेरी जान और मेरे हवास और मेरे दिल में सरायत कर चुकी है यानी मेरा अपना कुछ नहीं है हर तरफ़ तू ही तू है फिर अपने फ़ारसी कलाम में फरमाते हैं हर तार पौधे मन ब शरायत बश्कऊ अज खुद तही व अज़मयाँ दिलसिताँपुरम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क मेरे वजूद के हर रगो रेशे में समाया शरायत कर चुका है और मैं अपने आप से खाली हूँ और उस महबूब के ग़म से पुर हूँ फिर अपने उर्दू मंजूम कलाम में फरमाते हैं नक्श हस्ती तेरी उल्फत में मिटाया हमने अपना हर जर्रा तेरी राह में उड़ाया हमने दिलबरा मुझको कसम है तेरी यकताई की आपको तेरी मोहब्बत में बुलाया हमने यही इश्क व मोहब्बत थी कि जिसकी बिना पर आपके हक में आसमान से गवाही नाजिल हुई कि हाजरा जुल्न युबू रसूल अल्लाह ये वो इंसान है ये वो आदमी है जो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है इस मोहब्बत में सरशार होकर जब आपने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद दुरूदो सलाम भेजा तो आसमान से नूर की मशकें नाजिल हुईं और आपके वजूद को अंदर बाहर से मुनवर कर गईं चुनाचे हज़रत मसीह महदला वसलाम फरमाते हैं कि एक मरतबा ऐसा इत्फ़ाक़ हुआ कि दरुज शरीफ के पढ़ने में एक जमाने तक मुझे इस्तगराक रहा क्योंकि मेरा यकीन था कि खुदा तला की राहें नहायत दकीक हैं बज्ज़ वसीला नबी करीम के नहीं मिल सकती तब एक मुद्दत के बाद कशफी हालत में मैंने देखा कि दो सके आए हैं और एक अंदरूनी रास्ते से और एक बैरूनी रास्ते से मेरे घर में दाखिल हुए और उनके कॉँधों पर नूर की मशकें हैं और कहते हैं हाजा मा सल्लैता अला मुहम्मदिन कि यही वो दुरूद और सलाम है जो तुमने मोहम्मद रसूल सल्म पर भेजा था हम ये तुम्हें लौटाने आए हैं ये मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुंदी हुई और दरुद शरीफ की बरक़ात से मुसफ़ा ऐसी नूर की मशकें थीं कि जिन्होंने कादियान की एक गुमनाम बस्ती में रहने वाले मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के बातिन को ज़ाहिर बातिन को ऐसा पाक किया कि उनमें कोई जुल्मत बाकी नहीं रही और आप मसीह मसीह महदी और मोहम्मद मुस्तफ़ा के ज़िल पर सरफराज हुए और आपके वजूद से दोबारा नूर मोहम्मदी का इंतजार होने लगा ये सारी बरकतें और ये सारे इनामत आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहम की मोहब्बत और कामिल इतबा में पढ़े गए दरूद की बदौलत हासिल हुई इस बारे में हज़रत मौलाना अब्दुल करीम साहब सयालकोटी तहरीर करते हैं कि एक बार मैंने ख़ुद हज़रत इमाम अलतम से सुना आप फरमाते थे कि द्रुज शरीफ के तुफ़ैल, द्रुज शरीफ के तुफ़ैल और उसकी कसरत से द्रुद शरीफ के तुफ़ैल और उसकी कसरत से यह दर्जे खुदा ने मुझे अता किए हैं हैं कि यकी कोई फैज़ बदू वसात आ हज़रत सल्हु वसम दूसरों तक पहुँच ही नहीं सकता जो अल्लाह का फैज़ और फजल हासिल करना चाहता है उसको लाजिम है कि वह कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े ताकि इस फैज़ में हरकत पैदा हो तो हज़रत मसीह महदलाम ने अपने अमल से हमें यह सिखाया है कि अगर कोई फैज़ हम हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम आ हज़रत सल्ला वसलम से मुहबत करें और आपकी मोहब्बत में सरशार होकर द्रुज शरीफ में कसरत और दवाम इख्तियार करें अब आप अपने एक फ़ारसी शेर में फ़रमाते हैं कि अगर ख्वाही के हक गोयद शनायत अगर ख्वाही के हक गोयद शनायत बेश दिल शना ख़ान मोहम्मद यानी अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताली तुम्हारी मदो सना करे तो तुम सच्चे दिल से मोहम्मद के शना ख़ान बन जाओ अल्लाह ताली तुम्हारी मदो सना करेगा और दूसरों से करवाएगा तो ये हज़रत मसीह मदलातम ने अपने अमल से हमें ये सिखाया है वक्त की कमी है मैं कुछ हिस्सा छोड़ता हूँ ख़ुद रसूल सल्ला वसलम ने और इस ज़माने में हज़रत मसीह मौदल ने मोहब्बत रसूल में सरशार होकर दुरूज शरीफ़ पढ़ने की कई कई बरक़ात कसरत से गिनवाई हैं अगर कोई चाहता है कि उसके गुनाह माफ हो जाएं, तो उसे चाहिए कि वो दुरुद शरीफ पढ़े अगर कोई चाहता है कि उसकी नेकियां बढ़ जाएं, तो उसे चाहिए कि वो द्रुद शरीफ पढ़े अगर कोई चाहता है कि अल्लाह ताला उसे जन्नत की राह पर डाल दे तो उसे चाहिए कि वो दुरुद शरीफ़ पढ़े अगर कोई निजात उखर चाहता है तो उसे चाहिए कि वो द्रुद शरीफ पढ़े अगर कोई चाहता है कि क्यामत के रोज़ उसे हज़रत सलील वसम का कुर्ब नसीब हो तो उसे चाहिए कि वह दुरुद शरीफ पढ़े अगर कोई चाहता है कि उसे हज़रत सल्ला वसम की शिफात नसीब हो तो उसे चाहिए कि वो दुरुद शरीफ पढ़े अगर कोई चाहता है कि उसकी दुआएं कबूल हों तो उसे चाहिए कि वो दुरुद शरीफ़ पढ़े अगर कोई अपनी तंगी दूर करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो दुरुद शरीफ पढ़े आजकल डिप्रेशन और दिमागी अवारज़ बढ़ गए हैं अगर कोई उनसे निजात चाहता है तो उसे चाहिए कि वो दुरू शरीफ पढ़े अगर कोई चाहता है कि उसका हाफजा तेज़ हो जाए तो उसे चाहिए कि वो दुरू शरीफ पढ़े जो गमों और परेशानियों से निजात चाहता है उसे चाहिए कि वो द्रुज शरीफ पढ़े जो दुनिया व आखिरत में मकाम महमूद पर फायज़ होना चाहता है उसे चाहिए कि वो दुरुद शरीफ़ पढ़े अगर कोई चाहता है कि उसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत नसीब हो तो उसे चाहिए कि वो दुरुद शरीफ़ पढ़े गर्ज़ हर छोटी से छोटी दुआ और बड़ी से बड़ी दुआ दुरूद शरीफ में आ जाती है लेकिन हजरात शरीफ की कबूलियत के लिए पहले नबी अक्रम सला वल्म की मोहब्बत और आपकी इतबा में जिस कदर मुमकिन हो सके बढ़ना ज़रूरी हज़रत मसीह मऊदा वसलाम दुरूज शरीफ पढ़ने का सही तरीक बयान करते हुए फरमाते हैं दुरूज शरीफ इस तौर पर न पढ़ें जैसा आम लोग तोते की तरह पढ़ते हैं ना उनको जनाब हज़रत रसूल सल्ला वसम से कुछ कामिल खलूस होता है और ना वो हजूर तमाम से अपने रसूल मकबूल के लिए बरकत इलाही मांगते हैं यानी दरूद सिर्फ़ रस्म और आदत की बिना पर नहीं पढ़ना चाहिए द्रूद की कबूलीत के लिए पहले मोहब्बत रसूल शर्त है अलैहि वसल्लम की मारिफत हासिल करना शर्त है और हज़रतल व की मारफत हासिल करने के बाद मोहब्बत और कामिलतबा में कामिलतबा में बढ़ना शरत है फिर द्रुद शरीफ अपने वो असराराहिर करेगा जो अल्लाह ताली ने और उसके रसूल ने और फिर हज़रत मसीह महदलात वसलाम ने हमें बताए हैं तो हज़रत मसीह महदलात वसलाम के इस इरशाद से ज़ाहिर होता है कि जब हम दरूद पढ़ें तो हमारा ज़रा ज़रा ये पुकारे कि अय हमारे इमाम हज़रत मसीह मऊद वसलाम के महबूबा का अहमद रबी अय बादशाह दौसरा अ महबूब खुदा हमने ज़िंदगी गुजारने का हर अच्छा चलन आपसे सीखा हमने इबादत अलाही का हर सबक आपके वसीले से हासिल किया आप इस दुनिया में अब्र बहार बनकर तशरीफ़ लाए और तिशना रूहों को तोहहीद के जाम से लब, लब से राब कर गए हम आपके किन किन एहसानों को याद करें और वो जबाँ कहाँ से लाएँ जिनसे उनका तस्करा मुमकिन हो ऐ हमारे प्यारे रसूल हम आपके गुलामों के गुलाम आपके कदमों की खाक आपकी खिदमत में मोहब्बत बरा सलाम अर्ज़ करते हैं और हमारा जिसम और हमारी जान और हमारे वजूद का हर ज़र्रा आप पर क़ुरबान के हमने महबूब का चेहरा आपके ज़रिए से देखा और आपका नक्शे पा तलाश करते हुए हम उस यार के दर तक पहुँच गए है ख़ुदा के पाक रसूल जिन पर खुदा अर्श से दुरुदो सलाम बेचता है और फरिश्ते जिनकी खातिर दुआओं में मगन हैं हम भी आपकी खिदमत में हज़ारों दुरुदो सलाम बेचते हैं अल्ला सल अला महमदिन वला अली महमदन कमा सलैता इब्राहिमा व अला इब्राहिम इन्का हमीदुमजीद अल्लाबार महमदिन وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين